है गाइस, तो कल अब थर्ड स्पोर्ट में टीम सोल वर्सेस टीम एक्सपाक की फाइट हुई जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नाउ एक के बाद एक मैचेस, एक के बाद एक फाइट वो निकालती हुई जा रही है। बट ओमेगा का यहाँ पे डाउन होना शायद से टीम सोल के लिए थोड़ा और मुश्किलदायक बन सकता है। बैक में दो प्लेयर्स हैं, तो उसके लिए अपने अपने आप को सेफ रखना है। सेफ रखने के लिए आपको आर्टिफिशियल कवर्स क्रिएट करने हैं, और वो ऑलरेडी किए जा चुके हैं। अल्ट्रॉन स्कोपिन करके बैठे हैं कि एक पिक्सल दिखे, कोई एक खिलाड़ी बस उस निकले शैक से और उनको स्प्रे के साथ डाउन कर दिया जाए। अल्ट्रॉन कोशिशें काफी चल रही है, टीम एक्सपार्क के पास अभी भी जीरो फिनिशर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बट अक्षत कितनी चालाकी से, कितना प्रिसाइज रोटेशन इनका देखने को मिला। गॉब्लिन के द्वारा 420 ओपी को डाउन किया जा चुका है। स्कार्फ की एचपी देखिए, डॉट एचपी के साथ बचे हैं बाल बाल, और अभी अभी अपने आप को एक हार्ड कवर के पीछे लेकर जाने में कामयाब जरूर हुए। बट हेक्टर को उसी दौरान डाउन किया गया स्काउट के द्वारा, और फिनिश भी किया जा चुका है। बट अगर आप इतनी कम एचपी होने के बावजूद इस तरीके से पीक करेंगे, अपने आप को एक्सपोज करेंगे, तो आपको पनिश किया जाएगा। गॉब्लिन रुक ही नहीं रहे, स्काउट के बाद अल्ट्रॉन को डाउन कर चुके हैं, और अब बचे हैं सैयद ओपी, एक लौटे खिलाड़ी फ्रॉम टीम एक्सपार्क, और उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए। बट सामने से M4 का जो सटीक स्प्रे आया, उसके बदौलत गॉब्लिन को डाउन किया जा चुका है। अक्षत एक लौटे प्लेयर अपनी टीम से, क्या अपनी टीम को यहां एक पोजीशन और ऊपर लेकर आ सकते हैं? क्या टीम एक्सपार्क को एलिमिनेट करके वो थोड़ा और सर्वाइव कर सकते हैं? क्या कुछ और प्लेसमेंट पॉइंट्स अर्जित कर सकते हैं? उससे पहले गॉब्लिन को फिनिश किया जाएगा, और देखना यहां से ये है कि अक्षत अपनी टीम को कहां तक लेकर जाते हैं। सर्कल के अंदर एंट्री लेना अक्षत के लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बट जाते जाते कुछ बढ़िया फिनिश पॉइंट्स निकाल के टीम एक्सपार्क को हाइड्रास के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टोटल 12 फिनिशर्स टीम सोल।